मिनीलैंड द ग्लोबल स्कूल में आयोजित किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम। आपको बता दें कि मिनीलैंड द ग्लोबल स्कूल के प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में स्कूल प्रबंधक समिति के सदस्य सुभाष खुराना, नीलम खुराना, नितिन बंसल, शिशिर बंसल, प्रधानाचार्य पूनम भटनागर तथा विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा 70 कदम के वृक्षों को रोपित किया गया। प्रबंधक सुभाष खुराना ने बताया कि वृक्ष हमारे जीवन का अंग है तथा प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। नीलम खुराना ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। स्कूल की प्रधानाचार्य ने बच्चों को वृक्ष लगाने तथा प्रतिदिन उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के पुण्य अवसर पर 5 जून को बुद्ध जयंती पार्क में एक पौधा लगाकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 111वें एपिसोड में इस अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रत्येक देशवासी से अपनी मां के प्रति सम्मान स्वरूप कम से कम एक पौधा अवश्य लगाने की मार्मिक अपील की थी। इसी अपील से प्रेरित होकर मिनीलैंड द ग्लोबल स्कूल के प्रबंधक सुभाष खुराना के नेतृत्व में स्कूल परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिलहाल आज विद्यार्थियों द्वारा 70 कदम के वृक्षों को रोपित किया गया है। प्रबंधक सुभाष खुराना ने बताया कि इसी कड़ी में आगे कुल 130 वृक्षों का रोपण किया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण और वृक्षारोपण के लिए एक नारा दिया है, एक वृक्ष माँ के नाम। ये बहुत ही प्रेरणादायक नारा है और वैसे भी हर वर्ष वृक्षारोपण होता है, लेकिन इस वर्ष जो भीषण गर्मी पड़ी उसके सापेक्ष वो वृक्षारोपण पर्याप्त नहीं है। हाईवेज बन रहे हैं तो वृक्ष कट जाते हैं, भले ही वो कितना ही वृक्ष लगा लें सभी वृक्ष फल फूल नहीं जाते। तो इस नाते हम लोगों का दायित्व बढ़ता है कि हम अपने प्रयासों को कम से कम 10 गुना बढ़ा दें। तो हमने भी ये लक्ष्य बनाया है कि हम कम से कम 108 वृक्ष लगाएंगे। आज हमने 70 वृक्ष कदम्ब के रोपित किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमारे साथ हमारे मैनेजमेंट ट्रस्ट के माननीय नितिन जी, शिशिर जी और जो फाउंडर यहाँ की प्रिंसिपल हैं, ट्रस्टी हैं, श्रीमती नीलम खुराना जी भी उपस्थित हैं और इन सब का एक ही कहना है कि हमें वृक्षों से कुछ प्रेरणा भी लेनी चाहिए। वृक्ष ना कभी आपस में लड़ते हैं ना झगड़ते हैं, ये प्राणी मात्र को हर जीव को ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं और प्रकृति का यह संतुलन ही मानवता को जीवित रखते हुए है। तो इसलिए यह बड़ा पुनीत कार्य है और जब भी अवसर मिले सभी को करना चाहिए। बच्चों को भी हमने इसमें शामिल किया है और आई होप दैट इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग डे बाई डे और हम सभी के प्रयासों से हमारी धरती हरी भरी होगी और इतना जो तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसमें कमी आएगी और हमारी जो धरा है इसकी रक्षा होगी और बहुत ही अच्छा एक इसका प्रभाव होगा। धन्यवाद। आज कार्यक्रम हमारे विद्यालय में पर्यावरण सुरक्षा के लिए पेड़ लगाओ कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री जी की मुहिम के अनुसार देश के नाम अपनी माटी का एक पेड़ धरा के नाम, इस मुहिम में विद्यालय में पेड़ लगाए गए। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए, मानव जाति के लिए वरदान है, तो हमें भी उनके प्रत्युत्तर में कुछ करना है। सभी को ये प्रेरणा देनी है कि एक पेड़ लगाइए और उनकी सुरक्षा करिए। विद्यालय में सभी बच्चों को ये संदेश दिया गया है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए।